हाय गाइज, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेके, फेसबुक ने जो नया अपडेट लाया है उसके ऊपर। दोस्तों, आप सभी को भली बातें मालूम है कि एक ग्लोबल क्राइसिस मचा हुआ है और फेसबुक आए दिन उस ग्लोबल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा परेशान है। उसी के साथ एज ए क्रिएटर आप लोग भी फेसबुक के जो चेंजेस आ रहे हैं, नियम में चेंजेस आ रहा है, उससे आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। मगर आप क्या करें, ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है तो इससे मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। तो बिना कि आपको बोर, चलिए सबसे पहले अपडेट को सुना देता हूँ। अगर आप एक क्रिएटर हो, आपके लिए सारे अपडेट जानना और जान के प्लेटफॉर्म पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस के वजह से पूरा ग्लोबली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और वो दिक्कत से फेसबुक टीम भी नहीं बचे हैं। तो उसके वजह से फेसबुक ने अपने जो टीम है उसको वर्क फ्रॉम होम दे दिया है, जो परमानेंट टीम है। और जो टेम्पररी टीम है, या फिर आप बोल सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक टीम है, उसको भी मना कर दिया है वर्क प्लेस पे आने के लिए। वो लोग अभी घर बैठे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस आपको एज ए क्रिएटर फेसबुक प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल रहा है। उसी पे एक चेंजेस है फेसबुक मोनेटाइजेशन का। हाँ दोस्तों, फेसबुक ने अभी अपना जो मोनेटाइजेशन है वो सस्पेंड करके रखा है टेम्परली। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने जो बोला है कि फेसबुक ने टेम्परली अपना मोनेटाइजेशन को रद्द करके रखा है, घबराना मत, पूरा अपडेट समझ में आएगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आपका मोनेटाइज होगा ही नहीं पेज आने वाले में, ऐसा मत समझ लेना। सिर्फ मैंने बोला है टेम्परली सस्पेंड किया है, परमानेंटली सस्पेंड नहीं करके रखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो अपडेट अभी मैं बताऊँगा एक एक करके, मैंने पूरा नोट डाउन करके रखा है, ये एज ए क्रिएटर समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले फेसबुक का ये कहना है, जितने भी वीडियो अभी आप लोग फेसबुक पेज पे डालते हो, अगर आपका पेज ऑलरेडी मोनेटाइज है, फिर भी आपका इनस्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन अभी चालू नहीं होगा एक भी वीडियो पे, अगर आपका वीडियो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज पे है। हाँ दोस्तों, अगर आपका वीडियो इंग्लिश पे नहीं है और आप ऑलरेडी एड ब्रेक से मोनेटाइज हो, इनस्ट्रीम एड से मोनेटाइज हो, फिर भी आपका जो वीडियो है वो मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक का अभी कोई टीम ही नहीं है जो आपके वीडियो को रिव्यू करके देखे और प्रोसेस करके उसको अप्रूव कर दे। तो इसीलिए फेसबुक बोल रहा है कि उन लोगों का जो मोनेटाइजेशन है अभी टेम्पररी सस्पेंडेड है। अगर आपके वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज पे है, इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब आपके वीडियो का जो ऑडियो है वो इंग्लिश पे है, आपका वीडियो का टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग इंग्लिश पे है, तो मोनेटाइजेशन अभी हो सकता है। मगर ये भी यूजुअली जितना टाइम लेते हैं मोनेटाइज होने पे, उससे ज़्यादा टाइम लेगा और उसका कोई गारंटी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिले भी हो सकता है। तो ये भी फेसबुक टीम ने अभी बता दिया है। और ये पूरा क्राइसिस ग्लोबल क्राइसिस के वजह से हो रहा है, आप लोगों को भलीभांति मालूम है। और उसके बाद जो बोला है, एग्जिस्टिंग मोनेटाइज वीडियो या एग्जिस्टिंग मोनेटाइज पेज जो है, जिस पे ऑलरेडी वीडियो मोनेटाइज्ड है, वो मोनेटाइज्ड ही रहेगा, उस पे ऐड आता रहेगा, उस पे कुछ भी नहीं होगा, वो सस्पेंड नहीं होगा। जो ऑलरेडी ग्रीन है वीडियो जो मोनेटाइज है, उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, फेसबुक का ये भी कहना है। तो आप लोग ये डाउट में मत रखना कि सस्पेंड कर दिया मोनेटाइजेशन का मतलब होता है जो वीडियो ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है वो भी डीमोनेटाइज हो गया या फिर सस्पेंड हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो एग्जिस्टेड है वो चलता रहेगा। उसी के साथ दोस्तों, और जो एक बात फेसबुक ने कहा है वो है, फेसबुक नाउ कॉम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम। फेसबुक जो है अभी फिलहाल कॉम्प्लीटली ऑटोमेटिकली चल रहा है, ये मशीन लर्निंग के थ्रू चल रहा है, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चल रहा है, कोई भी लोग काम नहीं कर रहा है, सारे लोगों को घर पे रहने के लिए सलाह दिया है फेसबुक ने। फेसबुक नहीं चाहता अपने एम्प्लॉय को कोई भी रिस्क में डाले, या फिर अपने एम्प्लॉय का जो सेफ्टी है उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है इस सिचुएशन पे।
करेंट सिचुएशन पे। तो इसीलिए ये भी फेसबुक ने बोला है कि ये जो मशीन लर्निंग है वो कभी भी मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि ये एक सिस्टम है। तो अगर आपके कोई भी कंटेंट या आपके पेज पे कोई भी इशू आ रहा है जो एडनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, ऐसा अगर हो रहा है बाय मिस्टेक, तो ये हो सकता है क्योंकि अभी फेसबुक टोटली ऑपरेट हो रहा है मशीन के द्वारा। सिस्टम वो फेसबुक के जो भी प्रोग्राम्स है उसको चला रहा है, यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं हो रहा है ह्यूमन का। तो इस वजह से हो सकता है इशू हो, और ऐसा इशू होता है तो आप लोगों को बोला गया है अपील करने के लिए, और यहाँ पे ये भी बता दिया है कि अपील भी अगर आप करोगे तो उसका रेस्पॉन्स मिलने में भी डिले होगा, क्योंकि फेसबुक ऑफिशियली कोई काम नहीं कर रहा है, कोई भी ह्यूमन उस पे बैठा नहीं है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे फेसबुक ने रिव्यूअर लेके रखा था वो लोग अभी काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, जिसके वजह से आप लोगों का रिप्लाई करने में भी डिले होगा। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा बहुत अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। एज ए क्रिएटर दिक्कत तो है, मगर इससे अभी वो लोग भी कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये एक ग्लोबल क्राइसिस का सिचुएशन चल रहा है अभी, आप लोगों को भी भली भांति मालूम है। उसी के साथ दोस्तों फेसबुक ने ये भी कहा है कि ये जो चीज़ है वो कितने दिनों तक चलेगा इसका कोई अभी एजम्पशन नहीं किया जा सकता है। इसलिए फेसबुक ने बोला है कि हम लोगों को, क्रिएटर लोगों को अपडेटेड रहने के लिए फेसबुक अपने वेबसाइट पे हमेशा अपडेट डालता जाएगा, तो हमको एज ए क्रिएटर उन अपडेट को जानना पड़ेगा, और वो अपडेट जानने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही अपडेट आए मैं वीडियो लेके आऊँ और आप तक सीधा पहुंच जाए। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से फेसबुक मोनेटाइजेशन के जो अभी अपडेट आया है इसका पूरा आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर कोई भी दोस्त को अभी भी कुछ डाउट है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना, तो मैं आपका कॉमेंट को क्लियरिफाई करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ आज का अपडेट भी आप लोगों के लिए एज ए क्रिएटर खुशखबर तो नहीं है, मगर अपडेट आप लोग हो गए हो, आपको नॉलेज पूरा मिल गया है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों, बाय।